दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के जमाने में तो बैंडेज नहीं था, तब लोग क्या इस्तेमाल करते थे? या फिर कभी सुना है कि स्वांस भी ब्रिटिश प्रॉपर्टी है? या फिर कभी सुना है कि रेनबो के जैसे ही मूनबो भी होता है? या फिर कभी सोचा है कि टी बैग्स का इन्वेंशन कैसे हुआ था? या फिर क्या आप जानते हैं कि क्लाउड्स का वेट कितना हो सकता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टी बैग्स का इन्वेंशन क्यों हुआ था? एक्चुअली टी बैग्स का इन्वेंशन एक्सीडेंटली हुआ था। साल 1908 में न्यूयॉर्क के एक टी मर्चेंट थॉमस सलिवन ने सैंपल के तौर पर कुछ चाय की पत्तियों को एक सिल्कन बैग में भरकर कस्टमर्स को भेज दिया था। ज्यादातर रिसिपिएंट्स को लगा कि मेटल इन्फ्यूजर्स की तरह ही इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सो उन्होंने बैग्स को खाली करने के बजाय पूरा का पूरा टी पॉट में डाल दिया। फिर इस इंसिडेंट को देखते हुए थॉमस ने कमर्शियल यूज करने के लिए टी बैग्स का इन्वेंशन किया। बाद में ये बैग्स टैग हैंगिंग्स के साथ आने लगे ताकि इजीली टी पॉट से या फिर कप से निकाला जा सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है? एक्चुअली जब हम रोते हैं तब हमारे बॉडी में एंडोर्फिन प्रोडक्शन बढ़ता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए एक नेचुरल पेन किलर होता है। और तो और, तब हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करता है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है। इन शॉर्ट, रोना हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, इस दुनिया में ब्लू व्हेल सबसे बड़ा लिविंग क्रीचर है। ये इतना बड़ा है कि कुछ कुछ डायनासोर्स इसके सामने छोटे लगते हैं। कभी कभी तो इसकी लेंथ 100 फीट से ज्यादा होती है और वेट 100 टन से भी ज्यादा। इसका हार्ट अकेला ही 1300 पाउंड का होता है। इसकी आर्टरीज और वेन्स, जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, वो इतना बड़ा होता है कि एक फुल्ली ग्रोन इंसान उसमें आराम से तैर सकेगा। दोस्तों, लोग ईबे में पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं। ग्रिल्ड चीज सैंडविच से लेकर वर्जिन मेरी और तो और जस्टिन टिम्बरलेक का आधा खाया हुआ फ्रेंच टोस्ट तक। लेकिन इन सब चीजों को साइड में रखते हैं और बात करते हैं सबसे वियर्ड इंसिडेंट की। साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी ने न्यूजीलैंड कंट्री को ईबे में सेल करने की कोशिश की थी। पता नहीं यार कौन है ये लोग और कहां से आते हैं, और इस चीज में लोगों को इंटरेस्ट काफी ज्यादा हुआ और लोगों ने ऑक्शन में बिड लगाना भी स्टार्ट कर दिया। पहले तो बिड 1 सेंट था, लेकिन 6000 हिट्स और 22 बिड्स मिलने के बाद न्यूजीलैंड का सेलिंग प्राइस हुआ $3000। फिर बाद में ईबे ने वेबसाइट से इस ऑक्शन को हटा दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि रेनबो को देख पाना किस्मत की बात है। अगर अभी मैं आपसे कहूं कि रेनबो तो फिर भी दिख जाता है, लेकिन क्या आपने कभी मूनबो देखा है? अब आप बोलोगे कि क्या पागलों जैसी बात है, लेकिन ये सच है। एक्चुअली मूनबो और लूनर बो रात में देखने को मिलता है। वो लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन के वजह से क्रिएट होता है। जब लाइट्स वाटर ड्रॉपलेट के अंदर से होकर गुजरती है तब ऐसा होता है, और मूनबो ज्यादातर फुल मून डेज में वाटरफॉल के पास ही देखने को मिलता है। दोस्तों, इंग्लैंड में स्वांस भी ब्रिटिश प्रॉपर्टी होती है। जानती हो, आपको अजीब लग रहा होगा। एक्चुअली एक ब्रिटिश लॉ के हिसाब से जो भी लार्वारिस स्वांस इंग्लैंड एंड वेल्स के पानी में खुले तैर रहे होंगे, वो स्वांस क्वीन के हैं। और ये लॉ मेडिएवल टाइम से चला आ रहा है, क्योंकि उस जमाने में वेल्दी लोगों के लिए स्वांस एक डेलिकेसी था और आज भी है। तब से लेकर आज तक इस ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं, और हर साल जुलाई के थर्ड वीक में टेम्स रिवर में तैरने वाले सारे स्वांस की काउंटिंग भी की जाती है। दोस्तों, क्लाउड्स तो दिखने में रुई जैसा सॉफ्ट और फ्लफी लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में वो उतना ही फ्लफी होता है? एक्चुअली वो दिखने में जितना हल्का लगता है उतना है नहीं, क्योंकि रिसर्चर्स ने इस टॉपिक में रिसर्च करके पाया है कि एक सिंगल क्लाउड का वेट 1.1 मिलियन पाउंड तक होता है। अब आप सोचोगे कि उनको ये कैसे मालूम हुआ? एक्चुअली उन्होंने पहले तो क्लाउड में मौजूद रहने वाले वाटर की डेंसिटी को कैलकुलेट किया, बाद में इसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका वेट इतना ज्यादा होने के बावजूद भी वो फ्लोट करता है, क्योंकि उसके नीचे की जो हवा होती है उससे ज्यादा हैवी होती है।
दोस्तों, आप में से कौन कौन ब्लड डोनेट करता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये एक बहुत ही नेक काम है। दोस्तों, हम जब भी ब्लड डोनेट करते हैं हमें नहीं पता होता कि हमारा ब्लड कहाँ यूज हुआ या फिर हुआ भी या नहीं, और इसी ख्याल के वजह से लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। लेकिन इसका एक उपाय निकाला स्वीडन ने। वहाँ पर अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड जब भी किसी को दिया जाएगा तो आपको मैसेज आएगा कि आपका डोनेट किया हुआ ब्लड किसी ज़रूरतमंद को दिया जा रहा है। और इस चीज़ को चालू किया स्वीडन के गोथेनबर्ग के एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने साल 2012 में। ये चीज़ डोनर के लिए सच में बहुत ही मोटिवेटिंग है। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स हैं। ये तो सबको मालूम है, इसीलिए ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि हमारे बॉडी के 25% से भी ज़्यादा बोन्स हमारे पैरों में होते हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा लेकिन हमारे एक फीट में 26 बोन्स होते हैं, यानी कि दो पैरों में 52 बोन्स होते हैं, जो कि 25% से ज़्यादा है। एक्चुअली हमारे फीट हमारे बॉडी के वेट को सपोर्ट करता है, हमें जंप, रन, क्लाइंब करने में मदद करता है, और तो और हमारे फीट बोन्स और जॉइंट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब एंड रिलीज भी करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के ज़माने में तो बैंडेज नहीं था, तब लोग क्या इस्तेमाल करते थे? अब कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि एंशिएंट ग्रीस और रोम में डॉक्टर्स स्पाइडर वेब यानी कि मकड़ी के जाले का इस्तेमाल करते थे। वो स्पाइडर वेब को एज अ बैंडेज यूज़ करते थे क्योंकि स्पाइडर वेब्स में नेचुरल एंटीसेप्टिक एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि घाव को क्लीन रखने में मदद करती थी, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा कम होता था। और ये भी कहा जाता है कि स्पाइडर वेब्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन के होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। इसी वजह से उस ज़माने में लोग स्पाइडर वेब का बैंडेज की तरह इस्तेमाल करते थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।